व्यूवर ने पूछा है कि आपने पहला विपस्ना का कोर्स जो किया उसका एक्सपीरियंस बताया, उसके बारे में बताएं क्यों उसकी आवश्यकता पड़ी और कैसा लगा आपको, कब किया आपने। विपस्ना का जो शब्द है यानी शब्द है, मैंने विपस्ना में जाके ही पता किया। मुझे ये तो ध्यान नहीं पड़ता कि मुझे किसने बताया था, मगर मुझे जरूरत क्यों पड़ी इसका कारण बड़ा स्पष्ट है कि एक घटना घटी जीवन में जिसमें मैं रात को सोते से उठ जाता था। ऐसा लगता था जैसे मेरा जो दिल है वो बहुत तेजी से धड़क रहा है और मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। ये लगभग 2003 से पहले की बात है और मैं अचानक सोते सोते एक साथ उठ जाता था। उठने के बाद में वो जो धड़कन थी वो ठीक हो जाती थी और फिर मैं सो जाता था। ऐसा 3-4 बार हुआ। मेरा जो छोटा भाई है वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, तो मैंने उसको कहा कि ऐसे ऐसे मुझे रात को होता है, मैं अचानक सोते सोते से उठ जाता हूं और दिल बहुत इसे धड़कता है, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला। उसने कहा कि हार्ट अटैक हमारी फैमिली की बैकग्राउंड और हिस्ट्री नहीं है, हार्ट अटैक नहीं है, ये कोई आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चल रहा है जिसकी वजह से वो एक्टिवेट हो जाता है और आपको बेचैन करता है। यानी कि आप सोते रहते हैं, आपका कॉन्शियस माइंड सोता रहता है और जो सबकॉन्शियस माइंड यानी जो अध चेतना है, जो अवचेतना है, जो मेन चेतना के नीचे दबी हुई है, वो एक्टिवेट हो जाती है और वो शरीर पे अपना प्रभाव डालती है और शरीर उसके हिसाब से एक्ट करता है। जैसे अगर मान लो आप अवचेतना में दौड़ रहे हैं तो दौड़ने के साथ साथ में आपकी धड़कन बढ़ जाएगी, या आपको सोच रहे हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और आपको हार्ट की फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। यानी कि हार्ट का रेट कम रहना चाहिए सोते समय, वो बढ़ जाएगा। तो वो एक तरह से आप ये समझे कि जैसे कार का जो इंजन है, बिना चले कार का इंजन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया या कर दिया और खड़ी खड़ी कार गर्म हो गई, ऐसा करके सबकॉन्शियस माइंड में चलता है। यानी कार चली नहीं और खड़ी हुई है और वो इंजन गर्म हो गया, फेल भी हो गया। तो मैंने कहा इसका इलाज क्या है, कह रहे इसका इलाज मेडिकल साइंस में तो है नहीं, बहुत ज्यादा होगा तो आपको नींद की गोली दे देंगे या कोई नशे का इंजेक्शन दे देंगे जिससे आप आराम से सो जाएंगे, या आपका सबकॉन्शियस माइंड सोचने की स्थिति में ना रहेगा जब आपको नशा दे देंगे। यानी नशे का भी यही काम है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को और कॉन्शियस माइंड को भी वो न्यूट्रल कर देता है, कमजोर कर देता है। तो क्या किया जाए, उन्होंने कहा कि ये साइकोसोमेटिक यानी कि मन की समस्या है, मस्तिष्क की नहीं है, यानी कि ये ब्रेन की समस्या नहीं है, ये माइंड की समस्या है, मन की समस्या है, चेतना की समस्या है। तो इसको चेतना के एक्सपर्ट और माइंड के एक्सपर्ट ही इसको ठीक करेंगे। तो क्या करना चाहिए, मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए मेडिटेशन यानी कि जो साधना है वो करनी चाहिए, उससे ठीक होगा। कई लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि कहीं कोई सत्संग में, कहीं कोई सदगुरु के पास, कहीं कोई कथा में, वचन में। मैंने दरअसल उस समय आसपास में जितने भी फेमस से लोग या गुरु जो धंधा पानी, बड़ा बड़ा पंडाल, बड़े बड़े प्रचार विचार, मैंने सारी जगह वहां जाके देखा। मुझे वहां जाके बड़ा अजीब सा भी लगा क्योंकि मैं इन चीजों में कभी पढ़ा नहीं, देखा नहीं, बचपन मेरा बिल्कुल साफ सुथरा है, हम किसी आडंबर में किसी में बचपन से रहे नहीं, शादी भी हमारी जो हुई है वो समण नीति से हुई है, जिसको बुद्ध नीति भी कह सकते हैं या बुद्धिस्ट तरीका भी बोल सकते हैं। हालांकि बुद्ध ने कोई शादी का तरीका बताया नहीं, मगर समण नीति कह सकते हैं। तो बड़ा अजीब सा भी लगा, मन लगा भी नहीं, मगर कोई संतुष्टि भी मिली नहीं। फिर शायद किसी ने मुझे बताया होगा या कहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कुछ जानकारी तो मेरे पास आई या मैंने कुछ पढ़ा होगा लिटरेचर कहीं। तो हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर हेमकुंड टावर है, एक नेहरू प्लेस जगह है, उसकी 16वीं मंजिल पे एक ऑफिस है साधना का, विपस्ना का। वहां मैं गया, मैंने वहां फार्म भरा। उन दिनों नेट और इंटरनेट नहीं होते थे, जो ऑनलाइन नहीं होता था, तो मैंने वहां फार्म भरा। फार्म भरने के बाद में मैंने उनको दिया। वहीं पास में एक बहुत सारे यहाँ मंदिर वगैरह बने हुए हैं, आश्रम बने हुए हैं, उन्हीं के आगे जाके जो एक जगह है जिसको फेमस काफी जगह है, वहां एक लॉजिक स्टेट फार्म हाउस था। लॉजिक स्टेट फार्म हाउस जो फेमस जगह है वो छतरपुर बोलते हैं, छतरपुर में बहुत सारे मंदिर और आश्रम टाइप बने हुए हैं। तो लॉजिक स्टेट फार्म जो लॉजिक स्टेट कंपनी है, एक वोल्टेज स्टेबलाइजर बनाने वाली है, उसके नाम का है, उसी का मालिक शायद रहे होंगे कोई।
तो उनके फार्म हाउस में वहां वो बना हुआ था। मैं वहां गया, जाने के बाद में वहां उस समय कैसेट से वो प्रवचन हुआ करते थे, गुरुजी उस समय जिंदा थे। तो वहां एक सरदार जी थे जो उनका गुरुजी की जगह वो बताने के लिए टीचर थे वो, और बाकी काम वहां कैसेटों से होता था, हॉल था। तीसरे दिन मैंने ये पाया कि मेरे शरीर का जो जितना भौतिक पार्ट है, यानी कि जो फिजिकल मेरी बॉडी है, जिसको रूप बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, शरीर बोलते हैं, काया बोलते हैं, वो पूरी तरह से फिट हो गई। मैं खाना पीना और मेरा जो पेट में दर्द वगैरह थे वो सारे बिल्कुल ठीक हो गए और मैं बिल्कुल फ्रेश हो गया। तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ क्योंकि मैं इधर उधर गया, वहां कुछ नहीं हुआ, और यहां तीसरे दिन हो गया। मैंने वहां जाके उन्होंने जो शब्द उन्होंने बताए, जैसा उन्होंने कहा, जैसी इंस्ट्रक्शन दी, जैसे वो बताते गए, मैं वैसा करता रहा पूरी तरह से। और सातवें दिन मैं पूरी तरह से, मेरा जो माइंड था वो बिल्कुल साफ हो गया, क्लियर हो गया। मेरे जो सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें थी वो ऑटोमेटिक निकल गई, पूरा शरीर हल्का हो गया और मुझे बड़ा लाभ हुआ और मैं बड़ा खुश हुआ। उस समय जो प्रवचन होते थे, वो प्रवचन यानी जो डिस्कोर्स जो ट्रेनिंग के बारे में, विपश्यना के बारे में बताते थे, वो बड़े अजीब और बहुत बढ़िया लगते थे क्योंकि ऐसे कभी सुने नहीं। वो सच्चाई पे बेस होते थे, उनकी एक एक चीज बड़ी, बताने का अंदाज बहुत बढ़िया था, वो सारा व्यवहारिक रूप से होता था। हम जीवन रोजमर्रा में जो जीवन में देखते हैं वही वो सारी बात बताते थे। तो लगा कि ऐसे भी प्रवचन होते हैं, दुनिया तो प्रवचन बताती है, ईश्वर प्रभु पता नहीं क्या क्या, और यहाँ तो शरीर के बारे में और काया के बारे में बात होती है। अपना ही शरीर है, अपना ही काया है, अपनी ही बॉडी है, अपना ही मन है। तो प्रवचन बहुत अच्छे लगते थे। 10 दिन वो वहां मैंने पूरी तरह से किए, एक एक शब्द का उनका पालन किया, और 10 दिन में काफी मेरे मेंटल रूप से और फिजिकल रूप से मेरी बॉडी पूरी तरह से फिट हो गई। 2003 के बाद में मैं अगला कोर्स 2015 में करने गया, यानी कि इन 12 सालों में मुझे फिर कभी विपश्यना की जरूरत पड़ी नहीं। मगर मैं विपश्यना को ज्यादा नहीं समझ पाया, बेसिकली एक तो पढ़ने का कोई लिटरेचर मेरे पास था नहीं, ऊपर से मैं उस समय जो लोगों को समझाने में ज्यादा ध्यान रखता था, यानी कि जैसे समझाते हैं आजकल लोग के, या पहले भी जिस समय, कि भाई समझाना है और जीतना है, यानी कि हम कोई बात बताएं और हम वहां से हार के आ जाएं, एक तरह से वकालत या एडवोकेसी हो गई कि हमें यहां वकालत कर रहे हैं, एडवोकेसी कर रहे हैं, और हमको हर हालत में जीतना है, चाहे ऊंची आवाज करके, चाहे चिल्ला के, चाहे झूठ बोल के, चाहे साम दाम दंड भेद, सबसे हमको जीतना है अगर हम उस वाद विवाद में पड़े हैं। ये आदत उस समय थी जिसको बुद्धि ब्लास्ट करके बोला जाता है। हमें पता चला पहली बार कि इसको बुद्धि ब्लास्ट बोला जाता है, यानी कि ये जो बुद्धि है, हमारी समझ है, उसकी विलासता है। वहां जाके बहुत एक्सपीरियंस हुए, बहुत सारी चीजें हुई। कुछ चीजें जो विपश्यना का पार्ट ही नहीं थी, जो विपश्यना को रोकती हैं, विपश्यना को उल्टा करती हैं, वो एक्सपीरियंस भी किए। हम ये समझे कि यही विपश्यना है, यानी विपश्यना जो है वो यही है, जबकि बहुत बाद में जब और भी कई कोर्स किए तब समझ में आया कि अरे हम पहले जो कोर्स में करके आए थे उसमें तो हम विपश्यना के विपरीत भी बहुत सारी चीज करके आए जो विपश्यना को रोकती हैं। जितने बचपन में एक्सपीरियंस थे, हवा में उड़ने का, इधर उड़ने का, सारे एक्सपीरियंस किए, सारी रोल बैक हुई, सारी चीजें हुई। तो विपश्यना का जो पहला एक्सपीरियंस था वो बड़े, मतलब हमको पता नहीं चला कि वो विपश्यना में क्या है क्या नहीं है। फायदा पूरा हुआ, बॉडी पूरी तरह से ठीक हो गई, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम ठीक हो गई, हार्ट की कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, रात को बढ़िया नींद आने लगी, और 12 साल तक विपश्यना की जरूरत नहीं पड़ी। एक काम किया मैंने कि विपश्यना में सब लोगों को मैंने भेजना शुरू किया, क्योंकि मुझे बहुत फायदा हुआ, इसलिए जो भी मिलता था मुझे, मैं कहता था कि भाई अगर आपका 10 दिन का नुकसान होता है तो आप पैसे मुझसे ले लो, अगर आपको लगता है कि विपश्यना से फायदा नहीं हो रहा। बहुत लोगों को मैंने सर पे भेजा, मगर आज तक कोई मुझसे पैसे लेने नहीं आया, क्योंकि ऑलमोस्ट सबको ही इससे फायदा हुआ। लंदन के अंदर एक मेरी मित्र है जो ईसाई है, क्रिश्चियन है, पाकिस्तान की रहने वाली है, उसको मैंने वहां भेजा, उसने भी ये माना कि ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जितने भी लोग मिले मुझे, जो भी मिले मुझे, खासतौर जो साइकोसोमेटिक या फिजिकल डिसीज के मिले या मेंटली परेशानी मिले, मैंने सबको भेजा। डिप्रेशन है, माइग्रेन है, छोटी मोटी सर दर्द है, कैसा भी है, सभी वहां ठीक हो गया है। किसी ने ये नहीं कहा कि ये विपश्यना टेक्निक ठीक नहीं है, यह बढ़िया नहीं है। ये कमाल की बात है कि मैं अब तक बहुत लोगों को भेज चुका, और अब तो वहां लाइनें लगी पड़ी हैं, अब तो वहां नंबर ही नहीं आता, क्योंकि जैसे ही सीटें खुलती हैं वैसे ही सीटें फुल हो जाती हैं, सारा ऑनलाइन है। मैंने अपने 35 साल की आयु में ये लगभग किया था, तो 35 साल की आयु में 12,700 दिन लगभग मैं जिया,
12,700 दिन का सिर्फ 10 दिन में वहां प्रैक्टिस करके आया, 10 दिन में बिहेवियर पैटर्न चेंज नहीं होता, क्योंकि 12,700 दिन में जो आदत आपको पड़ी हुई है, जो मन आपका बिहेवियर करता है, उसको 10 दिन में चेंज करना इतना आसान नहीं है। बहुत बिरले कर भी सकते हैं। भगवान बुद्ध ने 6 साल लगाए, 6 साल में वो अपना पूरा बिहेवियर पैटर्न उन्होंने बदल लिया था। मगर 10 दिन का फायदा इतना हुआ कि बिहेवियर पैटर्न का पता चलने लगा कि ये मेरा बिहेव है, ये मेरा व्यवहार है, ये जो मन कर रहा है ये ठीक कर रहा है या ये खराब कर रहा है। और कुछ नहीं हुआ तो कम से कम जानकारी होने लगी, दिखाई देने लगा कि ये जो काम हो रहा है इसका शरीर पे क्या फर्क पड़ रहा है, मन पे क्या फर्क पड़ रहा है, ये जानकारी बड़ी अच्छी तरह से होने लगी। और सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि मुझे धम्म समझ में आने लगा, यानी कि जो धम्म मेरे पिताजी मुझे समझाया करते थे वो शब्दों में, वाणी में समझाया करते थे, पाली भाषा में समझाया करते थे, उनको समझ में आ जाता था, क्योंकि उनकी उम्र बड़ी थी, वो अच्छे विपसना मतलब बैठे बैठे विपसना से वो करते रहते थे, उनको सब उनको ध्यान रहता था, वो एक एक शब्द एक एक वाक्य को बहुत अच्छा बताते थे। मैं उस समय कोई जवान था, हैंडसम था, तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आता था, मगर विपसना के बाद में मुझे धम्म बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगा, एक एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अगर आप धम्मिक हैं, आप बुद्धिस्ट हैं, या बुद्ध की भाषा जानते हैं, या बुद्ध को सीखना चाहते हैं, या इस फिलॉसफी को पहचानना चाहते हैं, तो ये फिलॉसफी बेसिकली पढ़ने की या सुनने की नहीं है, ये करने की है, ये प्रैक्टिस करने की है। बहुत सारे लोगों ने, हमने फिर बाद में ध्यान दिया कि इस विपसना से सीख के लोगों ने अपनी दुकानें खोल ली, अपने व्यापार चला लिए, लोगों ने इसको अपना अपना मिक्स करके अलग अलग लेके से लोग पेड़ भी पैसे लेने लगे। विपसना एकदम फ्री है, वहां हम गए, हमसे वहां किसी ने कोई पैसा लिया नहीं, हमारी इच्छा है हम वहां को देना चाहें ठीक है, नहीं देना चाहें तो मांगते नहीं, वहां बिल्कुल शांति रहती है ना, वहां ना आपकी कोई जात पूछता है, ना धर्म पूछता है, वहां सिर्फ आपका नाम पूछता है और पता पूछता है, सारे लोग वहां बराबर होते हैं, मौन पूरा चलता है, प्रक्रिया है। मैं विपसना की पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं, ये तो मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा कि विपसना कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि अगर कोई ये बताता है तो वो मूर्ख है। बेसिकली विपसना बताने की या ज्ञान झाड़ने की या बुद्धि विलास की चीज नहीं है, ये लोगों के मानव कल्याण की है। आपको 10 दिन खर्च करके आने चाहिए, आपके 10 दिन व्यर्थ नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अब तो मैं विपसना के काफी कोर्स कर चुका हूं और काफी लोगों को भेज चुका हूं, विपसना जिसने भी की है उसको बहुत फायदा हुआ है। इसलिए अगर मैं आपको वीडियो में ये बता देता हूं कि विपसना में ऐसा होता है, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, विपसना हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है। अगर 1 करोड़ लोग विपसना करेंगे तो 1 करोड़ लोगों का अनुभव अलग होगा, अगर 100 करोड़ लोग विपसना करेंगे तो 100 करोड़ लोगों का अनुभव अलग होगा। ये विपसना एक खास बात है, जैसा आपका व्यवहार, जैसा आपका सॉफ्टवेयर, वैसा ही आपको वहां अनुभव होता है। धन्यवाद। Sure.